अभी ऊपर की निशानियों में से ये दो चल रह गए थे। अभी जब ये बात हुई तो हाई सर ने फरमाया कि भाई अपने मशरों में वली एहसान साहब से, यानी इंतकाल से 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले फरमाया कि वली एहसान उनसे उनको भी अपने मशरों में शरीक करते रहे, उनके लिए अगर वो ना आ सके तो क्या उनके पास जाकर उनको बताया कौन से। एक दफ़ा हमें फरमाया कि रात को हयातु साहबा होती है ना जी, तो जब तक मौलाना एहसान साहब से थी उनकी तो वही होते थे या मौलाना दारिशाह साहब होते थे, तो इसलिए हमने कहा जी उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है तो किसी और का आप इजाज़त दे दें, मौली खुर्शीद साहब हैं या मौली अहमद पट्टा साहब हैं या वो मौली एक दो का हमने नाम लिया, वही ठीक है कर लो। फिर आगे एक बात कही चलेंगे कि ठीक है, चंद दिन के बाद फिर दोबारा इसको कहा मशर में आ गया हमारे पास, कह लेंगे इन्होंने कहा था मुझे कि वो मौली एहसान ज़रा तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, तो मौली अहमद पट्टा या मौली खुर्शीद जो है ये मौली अब्दुलरहमान है ये हयातु साहब ठीक है पढ़ तो कोई भी लेगा लेकिन वो एहसान तो नहीं होगा ना, एहसान तो नहीं होगा ना, एक नस्बत होती। फिर आगे फरमाया कि नस्बत होती है हर शेख की नस्बत जो इनको हासिल है और यूसुफ अब्दुल्ला की नस्बत जो इनको हासिल है, इस तरह और 2-3 बातें कहेंगे भाई कहते वो तो नहीं है ना किसी के पास, वो तो एहसान ही देता। ये जो जुम्मे के दिन जुम्मे से पहले हम लोग जाते थे हाई साहब के पास इधर लगवा देते तो नहीं लगाते थे हमें, कहते भी एहसान आएगा उसके बाद लगाऊंगा, पहले उनको लगाते थे। फिर कभी कभी हमें कहते भी थे कहते मैं तो इसको लगाता हूँ इनकी इसकी बरकत से तुम्हें सबको लगाता हूँ, मैं इसकी वजह से तुम्हें लगाता हूँ। अल्लाह मैंने हजरत से पूछा, मैंने कहा कि आपसे तो आना जाना आपके पास हो नहीं सकता, कभी कभी जाना होता है तो यहाँ किसी से अगर कोई बात पूछनी हो तो मैं किससे पूछूं, मैं कि मौली एहसान से पूछा करूँ। तो अब वो तशरीफ ला रहे हैं, देखो बड़ों के दो जुमले भी असल वो बाजार तो जोर कमजोरी हमारे जैसे ने एक घंटा ब्याज किया वो हो सकता है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बात करें, लेकिन उसके भी ये हमारी साल की पैदल जमाते चलती है ना जी, नहीं देखा कि उनकी नुस्त के लिए जिनको भेजते हैं वो बाजत 3 दिन हफ्ता बाजत चंद घंटे के लिए उनके पास ठहरते हैं, लेकिन कईयों की जिंदगी बदल गई उसकी वजह से। तो हाई साहब ने एक दफा हमें बताया फरमाया कहने लगे कि देखो असल में ये होता ये है कि उन्होंने जो 6-7 महीने पैदल चले हैं उन्होंने दावत दी है गश्तें की हैं अमाल की उस सब के अनवारात उनके पास जमा है, जब आदमी थोड़ी देर के लिए जाता है तो उसको उन अनवारात में से हिस्सा मिलता है इसलिए उसकी जिंदगी पलट जाती है। तो ये बड़ों की जिंदगी है इसमें लग गई, 4 साल की उम्र में 1946 में मौलाना ने पहला सरोजा लगाया था वाल्ला के साथ 4 साल की उम्र में, और उसके बाद से दिन रात जो है वो हमने जब से 19 साल की उम्र में जमात लेके गए थे उर्दन और जमात का अमीर बनाया था उनको, तो अल्लाह पाक ने जो है काम लिया और यूसुफ अब्दुल्ला के साथ 2 साल वहां रहे। ये जितनी बयानात है इसे पढ़ के सुनाया करते ये मौलाना के लिखे हुए हैं सारे, तो अब ऊपर के जो लोग हैं उनमें से ये चंद एक दो बाकी रह गए हैं, तो मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। इसमें मेरी दरख्वास्त है कि नमाज जकी साहब हमारे कि हम यही पढ़ लें नमाज की तैयारी कर लें।